मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। स्विच ऑन फाउंडेशन की ओर से जलवायु कार्रवाई का जश्न मनाने और प्रेरित करने के लिए 6 दिवसीय साइकिल यात्रा को सांसद महुआ मांझी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खूंटी के उल्हातू से शुरू हुई साइकिल यात्रा दुमका में 9 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। कामनाएं और इस मुहिम को जो आपने छेड़ा है, इस अभियान को हम सफल बनाने की संकल्प लें। गार्गी जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, प्रिय बच्चों, सभी मित्रों, फाउंडेशन का योगदान है इस प्रकार से। अलग अलग ढंग से हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और यहाँ सही सलामत पूर्ण रूपेण जिसका दोहन दूषण ना हो, हमारे बच्चों को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रांची से फादर आए हैं। स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के इस मूव फॉर अर्थ, जिसमें कि ये साइकिलिंग कर रहे हैं, पूरे झारखंड में घूम रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे इस धरती की रक्षा, कैसे धरती माता को पॉल्यूशन से बचाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रयास है। विनय जाजू जी और उनकी पूरी टीम इसे कर रही है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो युवा पीढ़ी को इसके लिए अवेयर कर रही है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की अब का खतरा बढ़ गया है, हमारे देश में भी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड वगैरह में किस तरह से सब कुछ ढह जा रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो पर्यावरण में ये जो असमानता है ये हमारी गलती से हुआ है, इसका एहसास कराना बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी को। और हमारे झारखंड में जल जंगल जमीन की संस्कृति रही है। तमाम पर्व त्यौहार जो है, जैसे कर्मा सरूर सोहरा जत्रा, ये सब कुछ तो पर्यावरण की रक्षा ही करती है। इस पर लोगों को ध्यान देना होगा और अभी से अगर सचेत नहीं होंगे, हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करने का जो मूल मंत्र है वो जानते सभी लोग हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इतने व्यक्तिवादी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो वो समाज के बारे में नहीं सोचते। जबकि हमारे यहाँ की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति समूहवादी संस्कृति है, या सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं आंकड़ा में और सब कुछ, तो इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये संस्था जो है, ये विनय जाजू जी के नेतृत्व में यहाँ से जो पदयात्रा या साइकिल यात्रा कर रही है, ये जहाँ जहाँ से गुजरेंगे लोगों को एक बार सोचने के लिए मजबूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे इसमें जुड़े, मेरी यही शुभकामना होगी। आने वाले दिनों के लिए भी मैं चाहूँगी कि इनका कुनबा और बड़ा हो, ताकि सभी लोग इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए प्रयास करें। ये पर्यावरण के लिए जो मूव फॉर अर्थ, ये स्लोगन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक सभी को संदेश देना है, पब्लिक को संदेश देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के तारीख में जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही आगे जा करके सबको समझाने वाले हैं, तो बच्चे से ही हम लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं कि पर्यावरण का जो है ध्यान रखते हुए, हर चीज़ पे जो है ध्यान रखे, हर चीज़ पे, आज साफ सफाई पे, स्वच्छता पे हम लोग ध्यान रखते हैं, कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, खाने पीने के ऊपर में ध्यान रखे, इसी तरीके से मतलब पॉल्यूशन के ऊपर में ध्यान रखते हुए उससे कैसे बचना है, लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि जहाँ पे जैसा अभी सिग्नल कहीं पे आ गया, गाड़ी रुक गया है तो सिग्नल जो है वहाँ पे है, फिर भी देखिएगा मोटरसाइकिल गाड़ी जो है वहाँ पे स्टार्ट करके रखा हुआ है। एक्चुअली लोग को उचित है कि वहाँ पे गाड़ी जो है बंद कर दे, ताकि कम से कम वहाँ पे थोड़ा देर के लिए तो पॉल्यूशन रुक जाता है। अगर हजारों गाड़ी चल रही है, आप अगर 30 सेकंड के लिए भी रुकता है तो 30 सेकंड का पॉल्यूशन अगर जमा करते हैं हम, बहुत कम होता है। इसी तरीके से सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और ये सोच को बदलाव लाने के लिए ही ये हम लोग का मूव फॉर अर्थ का आज ये मिशन है। मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा
ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।